वेस्ट इंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा रच सकते हैं बहुत बड़ा इतिहास और क्रिस गेल को पछाड़ कर पहुंच सकते हैं नंबर वन पर। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया और वेस्ट इंडीज के मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा एक ऐसा इतिहास रचेंगे जिससे वो वेस्ट इंडीज के इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्रिस गेल को पछाड़ कर नंबर वन के पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों पूरी खबर जानने से पहले अगर आप क्रिकेट के हर अंदर के खबरों से पल भर में अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल बटन पर क्लिक कर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आरएस न्यूज को। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि विश्व कप 2019 खत्म हो चुका है और कुछ ही दिनों के बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। यहां पर इन दोनों के बीच 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबलों के लिए आज के दिन भारतीय टीम का चयन किया जाना है, जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरे में कप्तान विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे के क्रम में बढ़ते हुए हम बात करते हैं रोहित शर्मा कौन सा बड़ा इतिहास रचेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय टीम के सलामी ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी से विश्व कप बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया था और वर्ल्ड कप में 5 शतक जड़ करके आज तक के वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए थे। दोस्तों आगे के क्रम में बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि रोहित शर्मा कौन सा बड़ा इतिहास रचेंगे। तो हम आपको बता दें भारतीय टीम के सलामी ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी से विश्व कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया था और 5 शतक जड़ करके वर्ल्ड कप के आज तक के इतिहास में सबसे अधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो वहीं पर रोहित शर्मा वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी अपना शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा सकते हैं और इतिहास रचने का कारनामा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो साल 2019 में सबसे अधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड इस बार अपने नाम कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि साल 2019 में सबसे अधिक छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है। उन्होंने इस साल महज 12 वनडे पारियां खेलने के बाद 51 छक्के लगाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं पर हम आपको बता दें कि इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन मौजूद हैं, जिन्होंने 18 पारियां खेलकर 41 छक्के लगाए। वहीं पर इस लिस्ट में रोहित शर्मा 30 छक्कों के साथ इस लिस्ट में 5वें पायदान पर मौजूद हैं। वहीं पर अगर वे 3 छक्के और जड़ते हैं तो वे जोस बटलर को पीछे छोड़कर 4थे पायदान पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जी हां दोस्तों, साल 2019 में रोहित शर्मा ने 22 मैच खेलकर 30 छक्के लगा डाले और इस दौरान उन्होंने अपने बल्ले से 1204 रन और 6 शतक लगाते हुए घातक बल्लेबाजी दिखाई। दोस्तों इस बात से जाहिर होता है कि इस समय वे जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो रोहित शर्मा को क्रिस गेल के 51 छक्कों का रिकॉर्ड को पीछे करने के लिए मात्र 22 छक्कों की दरकरार होगी। ऐसे में वे इन तीनों सीरीजों के दौरान वेस्ट इंडीज के घातक बल्लेबाज क्रिस गेल को आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रोहित शर्मा हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया कारनामा करके दिखा पाएंगे और क्या वे क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ करके नंबर वन की पोजीशन पर पहुंच पाएंगे? दोस्तों आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वहीं इसी तरह की क्रिकेट के अंदर के खबरों से पल भर में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आरएस न्यूज को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरह की जरूरी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।